पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ। इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। शिवपुरी जिले की फतेहपुर रोड पर मौजूद एक मेडिकल स्टोर पर बस्ती के लोगों ने नशे का कारोबार करने के आरोप लगाए हैं। परिजनों ने दो लड़कों को नशे का सामान खरीदते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, जिनके हाथ से इंजेक्शन बरामद हुआ है। इसे लेकर बस्ती के लोगों ने तकरीबन एक घंटे तक हंगामा करते हुए रास्ते पर जाम लगाकर धरना भी दिया। बता दें कि शिवा मेडिकल पर पहले भी कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। मेडिकल संचालक को तब जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। शहर के मेडिकल वाले लगातार नशे के कारोबार में लिप्त पाए जा रहे हैं, बावजूद इनके ड्रग लाइसेंस निरस्त नहीं किए जा रहे हैं। इन युवकों ने जिस इंजेक्शन को खरीदा है उसकी कीमत 100 रुपए बताई जा रही है, वहीं 10 रुपए में सिरिंज अलग से खरीदी है। नशे के आदि हो चुके युवक की मां का कहना है कि मेडिकल वाला ड्रग बेच रहा है। पुलिस लड़कों को तो पकड़ रही है, लेकिन दुकानदार पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इस मामले में SDOP अजय भार्गव का कहना है कि शिवा मेडिकल आपत्तिजनक सामग्री बेचता है। बस्ती के लोग इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि वे दुकानदार पर कायमी की मांग कर रहे थे। ड्रग इंस्पेक्टर को बुलाया है, उस पर भी कायमी करेंगे। हमारे बच्चों को ले गई पुलिस, लेकिन जो बेच रहा है, जो अपराधी है, उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं है। हमारे बच्चे 12-12 13-13 क्या बेच रहा है, क्या बेच रहा है? ये मेरा भाने जा रहा था यहाँ पर, क्या नाम है? हाँ। उसके साथ में एक लड़का है, उसको है ना ये ड्रग्स का ये इंजेक्शन दिया गया है इस मेडिकल से, शिवम मेडिकल से। हाँ। ठीक है, अब ये है ना मेडिकलों का जो है लाइसेंस मिल रहे हैं वो दवाइयों के लिए मिल रहे हैं कि ये चेयर बांटने के लिए मिल रहे हैं? उसके दोस्त को दिया है और उसके साथ में आपका भाने जाए। हाँ, उसके साथ में मेरा भाने जाए। मैं इधर चुपके खड़ा हुआ था, इनका पीछा किया मैंने, जब जाकर इनको पकड़ा रंगे हाथ, और लड़के ने खुद जो है बोला, उस लड़के को बुलाइए आप, वो खुद बताएगा। हाँ, पीता इसको, पीता है, छुपाने वाली बात को पीता है। इसके चक्कर में कई बार जेल जा चुका है, उसके पास 7-8 केस पहले भी हो चुके हैं। जी, आज जो मेडिकल से जो दो लड़के पकड़े गए हैं, क्यों पकड़े गए, किस आरोप में लिए था? शिवा मेडिकल स्टोर है यहाँ, इसके बारे में जानकारी ये मिली है कि आपत्तिजनक सामग्री जो ड्रग बैन है वो सेल करता है। हमने ड्रग इंस्पेक्टर को बुलवाया है, डॉक्टर साहब को भी बुलवाया है, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी हम पूरी करेंगे। सर, अभी इन लोगों ने जाम क्यों लगाया था? सर, नहीं, जाम तो नहीं लगाया था, लेकिन आप ना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि ऐसा ही करते हैं, और ऐसा यदि पाया जाता है तो हम निश्चित तौर पर लीगल कार्रवाई करेंगे। कई बार पूर्व में शिकायतें हो चुकी है, पहले भी जेल जा चुका है इस मामले में, लेकिन आज तक इसमें कठोर कार्रवाई नहीं, क्या कारण? नहीं, वैधानिक रूप से जो भी कार्रवाई रहती है, अब वो कठोर है या जमानत पर छोड़ देती है, ये न्यायालय का काम है। हमारे हम लोग जो उचित धाराएं हैं उसमें कार्रवाई करते हैं, उसके बाद जेल भेज। सर, इससे पहले भी इसी मेडिकल से ऐसी कई सामग्रियां बिकती थी, ऐसी सूचना भी मिली थी, ये मैं देख पाता हूँ, इस बारे में मुझे जानकारी। शिवपुरी से राकेश भोज, सागर टीवी न्यूज।
पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ। इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।